करो, सीएम साहब शर्म करो, सीएम साहब शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, सीएम साहब शर्म करो, डूब नहीं तो डूब मरो, सीएम साहब शर्म करो। हम लेट कर रहेंगे सैलरी, हम लेट कर रहेंगे, हम लेट कर रहेंगे, हम लेट कर रहेंगे। सीओ साहब शर्म करो, सीओ साहब शर्म करो, सीओ साहब शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नाम राम सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, नाम राम सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो, सीओ साहब सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। हक हमारा, हक हमारा, वो हक हमारा, हक हमारा, वो हक हमारा, वो हक हमारा, छीन के रहेंगे। We want justice, you want justice, I want justice, we want justice, I want justice, you want justice, we want justice. जितने भी साथियां मौजूद हैं, आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई कि आप सुबह यहां आए और यहां बैठे। एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर लें जोरदार। बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने जो 9 महीने हम लोगों ने वेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन का वेट किया, सरकार का वेट किया, सीओ साहब का वेट किया, मेम्बरान का वेट किया कि किसी तरीके से मसला हल हो जाए, हम लोगों को सड़क पर ना उतरना पड़े। लेकिन 9 महीने के बाद जब बातें नहीं समझी और ऐसा लगा कि जानबूझ के मामले को अटकाया जा रहा है, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी इदारा है, और अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें
तो उस रिपोर्ट में ये है कि अगर हिंदुस्तान की जितने भी वक्फ बोर्ड हैं वो एक साथ अपनी सारी ज़मीनों पर अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ पर काम कर लें तो मुसलमानों को कहीं काम और काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपने इतने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं कि वो उन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए ही अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड जो पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहा था, जो उसने दंगों में आगे आके लोगों को संभाला है, उनके लिए कैंप लगाया है, मस्जिदों को रिपेयर कराया है, मकानों को रिपेयर कराने का काम किया है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। ये खैर कोई बात नहीं, आप लोगों की हिम्मत को सलाम है। पर इसमें 2-4 चीज़ों का ध्यान देना है कि जैसे हमें 22-23 तारीख को एक आश्वासन दिया गया था कि हाँ जी, एक 8-10 दिन में हम सारी चीज़ें सॉल्व कर देंगे, हमने अपने एहतजाज को 1-10 दिन बढ़ा दिया, लेकिन मजबूरन जब कल तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आज हम बैठ गए हैं। लेकिन आज हमें ये कसम खा लेनी है कि अब जब तक हमारी सैलरी नहीं आती या जो कुछ और मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन नहीं होता, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। राजी हैं सभी साथी? देखिए, डेली आना पड़ेगा और टाइम से आइए और शाम को टाइम से यहाँ से घर चलेंगे, ठीक है? और आज इंशाल्लाह शाम तक कुछ हम एक आध दो कमेटीज बना देंगे, मैनेजमेंट कमेटी बना देंगे जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करेगी, मीडिया कमेटी बना देंगे जो मीडिया से बात करेगी। तो जो लोग ऑथराइज किए जाएं से वो ही बात करें मीडिया से, जो लोग ऑथराइज किए जाएं वही काम के, बाकी सब लोगों को फॉलो करना। सैलरी तो तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सैलरी तो तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सीओ साहब सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। सीओ साहब सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। सीओ साहब सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। इंकलाब सरकार के मातहत आने वाला यह है दरियागंज का दिल्ली वक्फ बोर्ड। और दिल्ली वक्फ बोर्ड के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या फिर वो परमानेंट स्टाफ हो, ये लोग सभी अब ऐलान कर चुके हैं इनडेफिनेट स्ट्राइक का, यानी कि बेमियादी हड़ताल के लिए इन लोगों ने साफ कह दिया है। क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि अब तक 8 महीने लगभग गुजर चुके हैं, परमानेंट स्टाफ के 5 महीने से ऊपर का वक्फा हो गया और जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है उनको 8 महीने से ऊपर का वक्त होने जा रहा है और उनकी सैलरीज नहीं दी जा रही हैं। किस कदर मुश्किल इन लोगों को अपना घर चलाना हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार है कि उसके कान पर अब तक जूं तक नहीं रेंग रही। बेहद परेशान आ चुके हैं, सुबह से लेकर के शाम का वक्त आ चुका, लेकिन आप ये यकीन जानिए कि इन लोगों ने अपना जो धरना शुरू किया है आज की तारीख से लेकर के बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया है, पूरा पेन डाउन कर दिया। और जो वक्फ बोर्ड का काम था, यानी गरीब यतीम मिस्कीन बेवाओं के लिए जो काम उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनको मुआवजे और कंपनसेशन के लिए यहाँ वक्फ बोर्ड में किया जाता है, आज हकीकत में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसी वक्फ बोर्ड को ही बेवा बना दिया, इस वक्फ बोर्ड को ही यतीम कर दिया। लोग परेशान हैं, एक एक पैसे से परेशान है, आनापाई से परेशान है, अपने घर का खाना खर्च, कुछ लोग जो किराए पर रहते हैं उनका किराया, इन तमाम चीज़ों से ये लोग बहुत परेशान आ चुके हैं। उधार कर्ज कर कर के इतने परेशान हो गए कि अब कोई इनको उधार भी नहीं दे रहा है। वक्फ बोर्ड इस वक्त हेडलेस बॉडी के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि इस वक्त कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, कोई इसका सरपरस्त नहीं है। ADM नॉर्थ को फिलहाल CEO वक्फ बोर्ड लगाया हुआ है। अब क्या ADM बड़े हैं या फिर दिल्ली के CM बड़े हैं जो अब तक इस चीज़ की तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं? दिल्ली वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज यूनियन के सदर मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद यूनुस मौजूद हैं। यूनुस, आप लोगों ने जो बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया है, वक्फ बोर्ड का तो अब तमाम काम सब कुछ ठप हो जाएगा, रुक जाएगा? सर, हमने मजबूरी में किया है, परमानेंट जो स्टाफ है उनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उनको 9 महीने से नहीं मिली है। सर, हमारी मजबूरी है रोड पे आना, और दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्टाफ काम करने में बहुत काम ईमानदारी से करता है और आज तक किया है, और हमने 9 महीने ऐसे ही गुजार दिया स्टाफ ने पूरे ने, और परमानेंट स्टाफ ने 5 महीने गुजार दिए, आज तक कोई नहीं बोले। CEO साहब से कहते हैं, CEO साहब ये कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है, डेलीगेशन पावर नहीं है। सरकार ये कहती है कि सब कुछ CEO साहब करेंगे, आप जो कुछ करेंगे। तो आप क्या भूल गए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा लॉकडाउन के पीरियड से लेकर जब कोरोना शुरू हुआ तब से बार बार कहा कि सैलरीज रोकी नहीं जाएंगी, लेकिन दिल्ली सरकार का ही ये विभाग है और उसी की सैलरी रुकी हुई है लोगों की? सर, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, सरकार या डिपार्टमेंट समझेंगे इस बात को?
तो आपने क्या ऐलान किया है फिर आप सब लोगों ने? जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम जब तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक। तो लोगों की जो समस्या है, दिक्कत है लोगों को मिलने वाली यहाँ से जो वजीफे हैं वो सब तो रुक जाएगा सर। रुकेगा हम क्या कर सकते हैं, हमारी सैलरी नहीं मिल रही सर, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो दिल्ली सरकार के अंडर में ही आते हैं अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अंडर में आते हैं एडीएम नॉर्थ जो आपके सीओ लगाए गए हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं मिलते सब लोग? सीओ साहब से मिलते हैं, सीओ साहब बार बार यही कहते हैं मेरे पास डेलीगेशन पावर नहीं सर। बार बार हम कई बार मिले हैं, सब लिख के दिया हमने, डिपकॉम साहब को भी लिख के दिया है, सीओ साहब को लिख के दिया, मिनिस्टर साहब को भी लिख के दिया हमने, सबसे लिख के दिया सर हमने। फिर हुआ क्या लिख के देने से? आज तक भी कुछ नहीं हुआ, ये हुआ कि हम रोड पे आ गए सर, दिल्ली वक्फ बोर्ड का सारा काम ठप हो गया, सारा काम ठप हो गया और स्टाफ जो है वो रोड पर आ गया। मेरे साथ में सेक्शन ऑफिसर महफूज साहब मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ऐसे कब तक चलेगा और इस तरह तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमानेंट स्टाफ को 5 महीने से सैलरी नहीं और कॉन्ट्रैक्चुअल्स को लगभग 8 से 9 महीना हो गया। कहीं डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं दिल्ली में, कहीं नर्सेज स्ट्राइक पर हैं और अब आप लोग भी स्ट्राइक पर उतर आए हैं, फिर कैसे होगा? देखिए उम्मीद है कि एक आध दिन में या 2 दिन में मसला हल हो जाए। काफ़ी दिन से सिर्फ ज़बानी या फ़ोन पर या राइटिंग में रिक्वेस्ट की जा रही थी मेम्बरान दिल्ली वक्फ बोर्ड से या सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड से कि साहब ये मसला बहुत गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, अभी लॉकडाउन झेल के बैठे हैं और अभी फसादात झेल के बैठे हैं और बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं किराए पर रहते हैं या आने जाने में बहुत खर्चा होता है। अब कितना आदमी अपने जो जमा पूंजी है उससे काम चलाएगा या किसी से उधार मांग के काम चलाएगा? अब ये पूरा स्टाफ आज से सुबह से कंप्लीट पैन डाउन स्ट्राइक पर चला गया है, तो देखिए उम्मीद है जल्दी हल हो जाएगा मसला इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि जो काम 9 महीने से नहीं हुआ 8 महीने से नहीं हुआ वो अब हो जाएगा? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है अगर आप दर्शकों को बता सकें, दिक्कत किस पॉइंट पर आ रही है महफूज? देखिए ये मसला सिर्फ 2 घंटे में हल हो सकता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड पूरा मौजूद है, तमाम मेंबरान मौजूद हैं, सीओ साहब मौजूद है, फंड की कोई कमी नहीं है, लेने वाले देने वाले दोनों मौजूद हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ चेयरपर्सन ही तो नहीं है, आपको एक्ट में सहूलत दी हुई है कि जो आपके मौजूदा मेंबरान हैं वो मीटिंग कर लें, मीटिंग करके फाइनेंशियल पावर्स उनको दे दें। तो सीओ साइन करके एक मेंबर के साथ में क्यों सैलरी जारी नहीं कर रहे हैं, मेरा आपसे ये सवाल है। ये सवाल सीओ साहब से पूछिए, लेकिन उनका सीओ साहब का नहीं, आप सेक्शन ऑफिसर हैं, आप भी तो ये सवाल जाके उनके से कर सकते हैं। मैंने किया सवाल उनसे, फिर उनका कहना यह है कि मेरे पास इस वक्त फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। वो फाइनेंशियल पावर्स जो डेलीगेट करता है वो या तो करेगी सरकार या करेगा बोर्ड, लेकिन चूंकि बोर्ड मौजूद है लिहाजा बोर्ड को कर लेनी चाहिए। वो तमाम मेम्बरान जो मौजूद हैं वो एक मीटिंग कर लें, सीओ साहब को पावर्स दे दें, 2 घंटे में सैलरी रिलीज हो जाएगी। तो आपका कब तक इरादा है इस तरह का, क्योंकि अब जब काम जाहिर सी बातें हिंडर हुआ है, काम रुका है, तो फिर तो वक्फ बोर्ड के जितने भी तमाम काम हैं दिल्ली के मस्जिदों के मदरसों के और आपके मकातिब के जो भी आपके वक्फ से रिलेटेड हैं वो तो सब ठप? हाँ, हम लोगों ने असल में इतने दिनों से काम इसीलिए किया जा रहा था ये कि काम करते रहें, नुकसान होगा, मिल्लत का नुकसान होगा, इदारे का नुकसान होगा। इसमें हमारी सैलरी के साथ साथ बेवाओं की पेंशन भी अभी रिलीज़ नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल मसला है। 1200 तकरीबन हैं ऐसे लोग, अइम्मा हज़रात, मौज़िनीन हज़रात, मदरसा आलिया का स्टाफ, मस्जिद फतेहपुरी के दरबान और जितने हम सबसे जुड़े हुए लोग हैं उन सब की सैलरी नहीं जारी हो रही पिछले 5 और 8 महीने से। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की पिछले 9 महीने से सैलरी जारी नहीं है, जो परमानेंट स्टाफ है उसको मई से तनख्वाह नहीं मिल रही है। अभी तक यही सोच के काम कर रहे थे ये साहब सारे हजरात कि नुकसान नहीं होना चाहिए ऑफिस का, इसलिए काम कर रहे थे। अब फैसला तो ये किया है सबने मिलके कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम या नाजुक काम तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन जनरल काम बंद कर देंगे तब तक इस मसले का हल नहीं होता। और कल से हमारी एक साथी हैं वो कल से सिम्बोलिक भूख हड़ताल पर जा रही हैं एक दिन के लिए, देखते हैं कल क्या होता है। हमने अपनी बात हर सूरत में कानूनी तरीक़ों से बहुत सोफिस्टिकेटेड बावकार अंदाज में तमाम मेंबरान को पहुंचा दी है, सीओ साहब को पहुंचा दी है, सरकार में सबको पता है, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को पता है, हर एक आदमी इस बात से अवगत है कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। हमारे स्टाफ के तकरीबन 150 लोग हैं, 1200 बेवाएँ हैं, 300 इमाम हजरात हैं, उसके अलावा इमाम हजरात 300 इमाम हजरात हैं। और बड़ा मसला जो हमारे सामने है दो चीज़ों का है, एक तो जो हमारा अनक्लेम डेड बॉडीज को बरियल करता है स्टाफ कब्रिस्तान का, उसको भी तनख्वाह नहीं गई है पिछले 8 महीने। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अनक्लेम डेड बॉडीज आती हैं, जो लावारिस लाशें आती हैं, वक्फ बोर्ड का स्टाफ जो इनको दफन करता है, तो इसका मतलब फिर उनको दफन भी नहीं करेंगे? उनसे मैंने ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप तो ये काम करते रहिए, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना के पेशेंट को उन्होंने डील किया, तो उनको पैसे कौन देगा? आप देंगे? छोटा मोटा खर्चा तो हम सब अपनी जेब से कर ही रहे थे। अब कफन दफन का इंतजाम है, रोजाना के खर्चे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, वो पूरे तभी होंगे जब फाइनेंशियल पावर सीओ साहब को मिल जाएंगे और वो चेक साइन करेंगे। फंड भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। दूसरा मसला हमारे साथ है, हमारे जो पैनल लॉयर्स हैं उन्होंने अल्टीमेटम दिया था लास्ट वीक कि साहब
हमारा क्लैरी किया जी हमारी फीस आप नहीं देंगे तो हम केस में अपीयर नहीं होंगे। मुझे खदशा ये है खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली वक्फ बोर्ड या उसकी जायदादों के मुतालिक एडवर्स ऑर्डर हो सकते हैं नॉन अपीयरेंस की बुनियाद पर। बिल्कुल है, हमारी कोशिश यह है कि ऐसा ना हो। बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ इस तरह की तस्वीरें दिखाते हुए कि ये लोग अपने हक के लिए जिन्होंने कि पैंडेमिक से लेकर के अब तक के हालात में पूरी तरीके से बिल्कुल दिल्ली फसादात में जो दिल्ली राइट्स हुए थे उसमें भी काम किया और ये तमाम लोग इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं कि जिनको अपने जरूरियात से रोजमर्रा की जिंदगी से कोप अप करना बहुत भारी पड़ रहा है, किराया देना मुश्किल हो रहा है, घर के दवाइयों का राशन का जो खर्च है वो नहीं निकल पा रहा है। आधुनिक इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, लेकिन हालत ये है कि अपने हक को मांगने के लिए जो काम जिसके लिए मेहनत करते हैं उसको मांगने के लिए ये लोग वफ को बचाने और साथ ही साथ अपनी नौकरियों को बचाने के लिए खुद खड़े हैं। इमरान मेरे साथ में, इमरान फिर इस तरह कैसे चलेगा भाई? देखिए इस तरह से चलना तो कुछ नहीं है क्योंकि जैसे आज का दिन स्टार्ट हुआ उसके साथ साथ कल जैसा अभी महफूज सर ने बताया कि एक सिम्बोलिक भूख हड़ताल पर हमारे ग्रुप में से एक लेडी बैठ रही हैं। अगर इस तरह की मांगे, मतलब जो हमारी मांगे कोई नाजायज़ मांगे नहीं है, यहाँ पर 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, ये उसी की मांग है और उसके लिए जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, यहाँ से स्टाफ नहीं हटेगा जब तक वो सैलरी की मंजूरी ना दे दी जाए, क्योंकि सभी कुछ मौजूद है, सीईओ साहब मौजूद हैं बोर्ड में, बोर्ड के सातों मेंबर्स मौजूद हैं, सिर्फ एक मीटिंग करके एक किसी को भी चेयरमैन बनाकर उस मीटिंग का या फिर किसी तरह से जो भी वक्फ एक्ट के हिसाब से है तो सैलरी रिलीज की जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को अलग से पे करना पड़ेगा। और जैसे आपने सबसे पहले बोला भी है अभी वीडियो में कि ये वही उसी गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं जिस गवर्नमेंट के मुखिया ने, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉकडाउन के दौरान की गई थी कि किसी की सैलरी चाहे वो प्राइवेट हो या कोई भी इदारा हो उसकी सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। तो लेकिन 9 महीने से उसी गवर्नमेंट के अंडर आने वाले एक स्टाफ की सैलरी नहीं मिल रही है, जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। ये वही स्टाफ है यहाँ का जो फसादात में अपने घर बार छोड़ के महीनों तक उस कैंप में उन लोगों की खिदमत में लगा हुआ था जो कि लोग पीड़ित थे, जो जिनके घर जल गए थे, और अभी तक उन चीज़ों पे काम चल रहा है। तो अब आप लोगों ने क्या फैसला किया है फाइनली? फाइनली तो यही कि अभी हमारा चल रहा है जो हम लोग बैठे हुए हैं, अगर आज हमारा पहला दिन है, अगर देखा जाए तो हमें उसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिला है क्योंकि सीईओ साहब ने कॉल किया है, यहाँ सेक्शन ऑफिसर से कॉन्टेक्ट भी किया है कि जो भी अभी उसका क्या है फीडबैक क्या है वो अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं यहाँ पे कि जब तक हमें हमारी सैलरीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम बैठे हुए हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो बिल्कुल पेन डाउन स्ट्राइक एक तरह से हम लोगों को करनी चाहिए, जो अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत हम कोऑपरेट कर रहे हैं अंदर के भी, लेकिन पूरे स्टाफ को यहाँ पे बैठना चाहिए जब तक कि सैलरी नहीं मिले। पीछे 9 महीने हो गए, किसी को 5 महीने हो गए, 9 महीने और 5 महीने बहुत टाइम होता है। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं कैसे अपना अप डाउन कर रहा हूँ, कैसे कैसे अपने खर्चों को बेर कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मेरा अपना घर है ना कुछ है। फरहान भाई मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई गैर कानूनी काम किया जा रहा हो यहाँ पर। यहाँ पर अगर सीएम चाहें, दिल्ली के मुखिया चाहें, तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर सबकी सैलरी रिलीज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्यों इग्नोर किया जा रहा है, किस वजह से इग्नोर किया जा रहा है कुछ नहीं पता है अभी। तो सुबह से लेकर के शाम का वक्त आ गया, 3 पहर गुजर गए और सोचिए ये लोग इसी तरह से वक्फ बोर्ड के गेट पर खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों नहीं अपनी उस बात के ऊपर, अपने उस वादे के ऊपर खरा उतर रहे जो उन्होंने दिल्ली की जनता से, जो उन्होंने दिल्ली सरकार के मातहत आने वाले दफ्तरों में काम करने वाले लोगों से किया था और जो ऑर्डर जारी किया था, इसका मतलब वो ऑर्डर झूठ था या फिर अरविंद केजरीवाल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ थी जिसमें उन्होंने यह ऐलान किया था कि किसी की तनख्वाहों को, सैलरीज को नहीं रोका जाएगा। सोचिए कि आज की इस महंगाई के दौर में कितना मुश्किल हो रहा होगा इन लोगों को अपने घरों को चलाना, अपना पेट पालना, अपने बीवी बच्चों का पेट पालना। और ऐसे हालात के अंदर क्या अरविंद केजरीवाल का महज एक कॉल, और वो भी किसी और को नहीं वक्फ बोर्ड के सीईओ को, वक्फ बोर्ड के उन मेंबर्स को, अगर एक बार कॉल करके तय कर लिया जाए, रेजोल्यूशन क्लियर कर दिया जाए और इन लोगों की सैलरीज जारी कर दी जाए, तो क्या सैलरीज नहीं मिल पाएंगी? क्या काम उसी रफ्तार से, बल्कि कहूंगा कि उससे ज्यादा तेजी से नहीं शुरू हो सकता? ये वो तमाम सवाल आते हैं जिसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री को यकीनी तौर पर देना होगा, क्योंकि मामला अब ये चेयरमैन को लेकर के भी 9 नवंबर तक और इंतजार में रहेगा, उसके बाद हो सकता है कुछ फैसला मुमकिन हो सके।
दरियागंज दिल्ली वक्फ बोर्ड से आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान यहिया, आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान यहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।